हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एंसर। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ MI 11 लाइट के बारे में, जो कि MI 11 का लाइटर वर्जन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि ये स्मार्टफोन भी मार्च के ही मंथ में लॉन्च होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MI 11 लाइट के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं MI 11 लाइट के वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पे MI 11 लाइट में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि है 4G वेरिएंट एंड 5G वेरिएंट। दोनों ही वेरिएंट में आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो लगभग में सिमिलर ही देखने को मिलेगा। जो मेन डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन में वो इसके प्रोसेसर को लेके हैं और इसके प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं MI 11 लाइट के डिस्प्ले के बारे में। MI 11 लाइट में आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। MI 11 में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिला था थोड़ा, बट यहाँ पे आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। फोन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको पंच होल नॉच दिया गया, जहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं MI 11 लाइट के कैमरा के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में भी आपको ट्रिपल रेयर कैमरा ही देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको MI 11 में देखने को मिला था। जो मेन कैमरा वो आपको 64MP का मिलेगा, साथ ही 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5MP का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो 4G वेरिएंट में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट, जो कि आपको Redmi Note 10 Pro और 10 Pro Max में भी देखने को मिल चुका है। साथ ही यहाँ पे आपको ऑक्टाकोर 2.3GHz का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और जो GPU वो आपको Adreno का 618 का देखने को मिल जाएगा। 5G वेरिएंट में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 765G वाला चिपसेट विद ऑक्टाकोर 2.4GHz के प्रोसेसर के साथ और जो GPU वो आपको Adreno का 620 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोनों ही वेरिएंट में आपको एंड्रॉइड 11 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद MIUI 12.5 के साथ। अब बात करते हैं रैम एंड रोम वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पे आपको सिंगल स्टोरेज देखने को मिलने वाला है। 6GB रैम एंड 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4250mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही जो स्वामी का जो फेमस चार्जर है 33W का ही चार्जर यहाँ पे इस स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो 4G वेरिएंट का जो स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस है 6GB रैम एंड 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज का, इसका प्राइस लगभग में आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड 5G वेरिएंट का जो स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस है 6GB रैम एंड 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज का, इसका प्राइस आपको लगभग 24,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थे MI 11 लाइट के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी मुझे कुछ पता चलेगा इसके रिगार्डिंग तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ उस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।